सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुडुचेरी और केरल के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में सभी की निगाहें 7 साल बाद फिर क्रिकेट खेलने उतरे श्रीशांत पर थी। बता दें कि सोमवार को मुंबई के वांखेड़े स्टेडियम में पुडुचेरी के खिलाफ मैच में श्रीशांत ने वापसी की। श्रीशांत ने 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। अपना स्पेल पूरा करने के बाद वो पिच को हाथ जोड़ते हुए नजर आए। शानदार वापसी के बाद ट्विटर पर हैशटैग श्रीशांत टॉप ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी खूब तारीफ की और वापसी के लिए बधाई दी। बता दें कि श्रीशांत ने शानदार अंदाज में पुडुचेरी के ओपनर बल्लेबाज फाबिद अहमद को बोल्ड मारा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि 4th ओवर में श्रीशांत गेंदबाजी करने उतरे, सामने ओपनर बल्लेबाज फाबिद अहमद खड़े थे। उन्होंने शानदार लाइन लेंथ की गेंद डाली और बल्लेबाज को चकमा देकर बोल्ड मार दिया। आउट करने के बाद उन्होंने अपने अंदाज में जश्न भी मनाया। उनके बाद 4 ओवर खत्म करने के बाद वो पिच को छूकर हाथ जोड़ते हुए नजर आए। उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका था। विकेट लेने के बाद वहां खड़े खिलाड़ी भी उनके साथ जश्न मनाने लगे। बता दें कि श्रीशांत की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जहां वो पिच को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वो पिच को छूकर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस तस्वीर को सबसे ज्यादा खूबसूरत मान रहे हैं। ऐसे में ट्विटर पर लोगों ने उनको शेर बताया। कई लोगों ने उनको लिखा है कि शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। टीम इंडिया में वापसी के लिए श्रीशांत को शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। ट्विटर पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ करी है। बहरहाल ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि श्रीशांत का आगे और कितना अच्छा प्रदर्शन रहता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।